Well, हमारे साथ में बिदीदा बात प्लीज एक बार जोरदार तालियां लिया इनके लिए थैंक यू सो मच मैम नाउ वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू द बंदूकबाज द एक्चुअल बाबू मोशाय ऑफ दिस फिल्म आ रहे हैं डायरेक्टर कुशान नंदी एक बार जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए स देवी ग

पर बाबू मशा एक आनंद फिल्म में थी और क्योंकि नाम इस कैरेक्टर इस किरदार का बाबू था तो हमको लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक होगा कि वो थोड़ा वर्क और एक फन एलिमेंट होगा उसमें और आ, देखा जाए आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विदिता बाग के साथ में काम किया है वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड टेकिंग दीज टू पीपल विथ यू नवाज भाई का मैं बोल सकता हूँ <laughs> Uh, मुझे लगा कि मैंने नवाज़ भाई को ये स्क्रिप्ट सुनाया था कुछ अगस्त 2014 थाउजेंड फोर्टीन में किसी वक्त तो नवाज भाई को बहुत अच्छा लगा था उसका उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था <laughs> तो चार महीने तक मैंने उनको चेज़ किया फिर मैंने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है नवाज़ भाई ने बोला कि नहीं मैं एक्चुअली थोड़ा वक्त लेता हूँ तो काफ़ी हम बैठे दोनों तरफ से स्क्रिप्ट में इनपुट हुआ और अल्टीमेटली जब उन्होंने वो कन्विंस हुए और मुझे लगता है वो हर फिल्म के साथ यही करते हैं कन्विंस होते हैं और फिर करते हैं तो फिर हमने काम शुरू किया तो नवाज भाई का तो ये था मुझे मैंने सोचा था कि एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है बहुत आ, मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ सब बोलते हैं पर मैंने एक्चुअली सोचा था कि नवाज़ भाई नहीं कर रहे तो मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वो जो एक फ़न एलिमेंट है एक क्वर्क एलिमेंट है आ, जो एक अच्छे एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं उस स्पेस में कोई है अभी आ, और विदिता का तो मतलब वो तो हिस्ट्री है तो मैं क्या बोलूँ आपको विदिता कैसे आई और अच्छा वे बाय द वे विदिता को मैं मिला था तो एक और एक कैरेक्टर था इस फिल्म का जो श्रद्धा करी श्रद्धा दास अभी कर रही और मैंने सोचा था कि मैं विदिता को उस रोल में कास्ट करूंगा और उसके बाद मुझे लगता है इसकी तकदीर निकल गई हाँ, <laughs> मेरा अग्डेड़ <हुआ> अग्डेड़। <laughs> अग्डेड़। हाँ ही अप्लाई करने वाले हैं okay. तो एडल्ट फिल्म है तो मुझे लगता है कि एडल्ट के लिए ये सब कुछ चलेगा जो है पहले आप या पहले मैं <laughs> <laughs> तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज है मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए और आ, मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट डेढ़ साल से थे और मुझे लग, उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था और अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है स्क्रिप्ट मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था तो अगर उसके बावजूद अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ और uh, मुझे लगता है वो सिर्फ इंटीमेट सीन का इशू नहीं था इंटीमेट सीन का तो इशू ही नहीं था क्योंकि उसने ऑलरेडी शूट कर लिया था इशू था जो uh, उसको स्क्रिप्ट्स में स्क्रिप्ट प्लॉट्स uh, uh, में उसको होल्स दिख रहे थे जहाँ पे जो उन, उनको लग रहा था चेंज होने चाहिए तो मुझे लगा कि वो उनका डिसीजन था और मुझे लग रहा है अब जो सिचुएशन में हम हैं uh, मतलब आई एम आई एम रियली ग्लैड दैट इट्स कम आउट दिस वे एंड आई एम हैप्पी टू हैव ऑन बोर्ड एंड इट्स रियली वर्क फॉर मी

तो वहाँ पे काफ़ी उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे तो हम लोग को लगा था कि ये जब वर्कआउट नहीं हो रहा क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करते तो और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमने एक्चुअली ऑप्ट आउट किया और हम वापस वहाँ से आए और मुझे लगता है वो अच्छा हुआ क्योंकि हमको जो लैंडस्केप मिला यूपी का वो डेफिनेटली uh, मुझे लगता है इस फिल्म के लिए वर्क किया एंड एंड कुड यू टॉक समथिंग अबाउट द द द म्यूजिक ऑफ ऑफ फिल्म फिल्म प्लीज या आर आर नो फोर फाइव फाइव सॉन्ग्स सॉन्ग्स इन थ्री एंडो कु Uh, Gaurav Dagaonkar, Gaurav is a pretty known uh, music director presently uh, there's a song by Debujoti Mishra who is uh, one of the he's, he is the finest music director in Bengal today so uh, uh, it's a fabulous song which uh, is picturized on Nawaz bhai uh, the lyrics have been written by uh, Gali Basad Bhopali uh, so yeah, so that's about it it's not a song centric film but the songs do take the story forward rather than being just uh, parts of फिल्म अ जेंटलमैन के साथ रिलीज हो रही है तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी फिल्म के कोई की? फिल्म राइटिंग uh, के, के बारे में कि थोड़ा बताएं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत बोल्ड है फिल्म और uh, देखिए जहाँ तक जेंटलमैन uh, का सवाल है मतलब जेंटलमैन सो हीज़ बेशर्म बाबू एंड सो मुझे लगता है दोनों फिल्में अपने कैपेसिटी uh, पे रिलीज़ होगी और uh, मतलब ऑडियंस वो ऑडियंस को जो देखना है वो देख लेगी तो मतलब हम बोल के कुछ कर, करनी सॉल्व नहीं कर सकते uh, रही बात राइटिंग uh, के तो uh, uh, ये सारे जितने भी गालियाँ आपने सुनी होगी तो इन्होंने uh, लिखी हैं तो बाकी सब इन्होंने